हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नए तरीके से लौकी की सब्जी बनाना बताऊंगी। लौकी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी को छीलेंगे और इस तरह से रफली बड़े बड़े पीसेस काट लेंगे। गैस पे कुकर को रखेंगे, इसको गर्म होने देंगे। अब देखिए कुकर गर्म हो गया है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल मैंने एक बड़ा चम्मच डाला है। अब तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे और दालचीनी का 3 टुकड़ा डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे और 1 बड़ी इलायची, उसको हम कूट लिए हैं, और 2 छोटी इलायची, इसको भी कूट के डालेंगे। अब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 4 हरी मिर्च, 20 है इसमें मैंने चीरा लगा दिया है, उसको डाल देंगे। फिर थोड़ा लाल होने देंगे। मिर्ची जल गई है, इसमें हम एक प्याज डालेंगे। काट दिया है, इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे हल्का सा, जिससे प्याज जल्दी से भून जाए। देखिए प्याज भून रहा है, इसको थोड़ी देर और भूनेंगे, थोड़ा और ब्राउन करेंगे इसको। देखिए प्याज एकदम भून गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाएगा, देखिए ये तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच मैंने कस्तूरी मेथी डाला, कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिला देंगे। सारे मसाले अच्छे से भून जाएं, उसके बाद हम इसमें लौकी डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे, गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। और इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि लौकी ऑलरेडी पानी छोड़ता है, तो इसमें हम 1/2 कप ही पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। और इसमें हम अब नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। उनको अच्छे से मिला करके गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। जब तक 2 सीटी आएगा, 2 सीटी आने का हमें इंतज़ार करना है।
एक सीटी आ गई है। दो सीटी हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, इसकी इसके अंदर का गैस खुद ही निकलने देंगे, उसके बाद इसको खोलेंगे। ये देखो इसकी सीटी निकल गई है, इसको हम खोलेंगे। खोल गया, ये देखिए हमारी लौकी की सब्जी रेडी है। इसको आप रोटी या चावल जिसके भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी है, प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। देखिए सब्जी एकदम बिल्कुल रेडी है, देखिए कितनी अच्छे से गल गई है। इसको हम अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे। ये देखिए हमने अलग बर्तन निकाल के दे रख दिया, हमारी लौकी की सब्जी बिल्कुल नए स्टाइल में रेडी है।